जब फाइनेंशियल सक्सेस मिली तो अमेरिका में एक कहावत होती थी कि इफ आई एम सक्सेसफुल बाय 40 आई विल रिटायर एंड एंजॉय लाइफ। तो मैं 40 का था जब मैंने सोचा कि दिस इज 89 की बात है, 40 का था तो मैंने सोचा जो फाइनेंशियल सक्सेस थी वो मैंने कर ली एंड आई वांटेड टू रिटायर। जब मैं रिटायर किया बिजनेस रनिंग बिजनेस से मैं अपने को रिटायर किया, ऑर्गेनाइजेशन भी चलती रही, जब मैंने अपने को रिटायर किया तो एक खला था बाप का कि टू नो हिम एंड नाउ आई वांटेड टू नो हिम एज ही वाज, नॉट कि मेरी माँ क्या कहती थी। अब इस वक्त तक मेरी वालदा भी फौत हो चुकी हुई थी तो वहाँ पे मैंने रिसर्च शुरू की। जब रिसर्च शुरू की तो मजीद निज़ामी साहब, आरिफ निज़ामी साहब जो नवाए वक्त और नेशनल थे, इन्होंने मुझे हेल्प की रिसर्च में। और वो रिसर्च में जब मैंने रफ़ी बट को डिस्कवर किया एथेटिकली तो मैं और परेशान हो गया कि हाउ कुड अ मैन इतनी एडवर्सिटी में इतना सक्सेस कर जाए। और मैं समझता था मैंने बड़ी सक्सेस कर ली, पर जब मैं रफ़ी बट से कंपेयर करता था वो सक्सेस थी कुछ नहीं, मैं तो खाली 4 पैसों में सक्सेस की हुई थी। तो वो एक किस्म की डिप्रेशन भी आ गई और खुशी भी आ गई।